अर्जुन आपका बेटा है या नहीं ये जानने का हक आप दोनों को है। केटी जी, आप समझ क्यों नहीं रहे? आप समझ नहीं रही हैं प्रीति जी, हाथ धोकर पीछे पड़ गई इस इशू के। मैं जानता हूं अर्जुन मेरा बेटा नहीं है, मुझे डीएनए टेस्ट नहीं करवाना है, प्लीज। हेलो, क्या? मैं आ रहा हूं। केटी जी कहां जा रहे हैं आप? मैं कुछ पूछ रही हूँ केटी जी, रुकिए तो सही। मैं कहीं भी जा रहा हूँ, आप क्यों आ रही मेरे पीछे पीछे? मैं आपके पीछे पीछे नहीं जा रही, मैं आपके साथ चलूंगी। आपके साथ चलूंगी? आपको पता भी मैं कहां जा रहा हूँ? आप जहां भी जा रहे हो मैं बस आपके साथ चलूंगी, बस। क्या जरूरत है, क्यों? केटी जी, इस वक्त मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती। आप सही सोचने समझने की हालत में नहीं है केटी जी। पता नहीं जहाँ जा रहे हो वहाँ पर आपने कोई गलत कदम उठा लिया, तो इसलिए मैं आपके साथ चलूंगी बस। बीवियों की तरह बर्ताव क्यों कर रही हैं आप? मैं बीवी हूँ आपकी। ठीक है, चलिए। यहाँ पे कौन है? पता नहीं। तो हम हॉस्पिटल क्यों आए हैं? क्योंकि मुझे फोन आया था यहाँ से प्रीति जी, इन्हें बॉम्बे ब्लड ग्रुप की अर्जेंटली जरूरत है, जो कि मेरा ब्लड ग्रुप है, बहुत ही यूनिक है, आसानी से मिलता नहीं है, तो मैं यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, जो अक्सर आता हूँ। आपको क्या लगा था शराब पी के कहीं तमाशा करने जा रहा हूँ? ओके सर, थैंक यू। हाय, कीर्तन टिब्रीवाल, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, रिक्वायरमेंट के लिए कॉल आया था। यस सर। मैं पेशेंट से एक बार मिलना चाहता हूँ। जी, आप रूम नंबर 12 में चले जाइए, एक्सीडेंट का केस है। ओके। अर्जुन, कीर्तन, थैंक गॉड तुम आके। कीर्तन, देखो अर्जुन का कितना खून बह गया, उसे दूर होने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जब भी देखो तुमसे मिलने के लिए और तुम्हारा उसे अपनाने की जिद करता रहता है, कुछ भी करता है। आज सुबह भी प्रीति से पूछो कैसे शराब पी के वो गाड़ी चला रहा था। मैंने कितनी कोशिश की उसे रोकने की, लेकिन गुस्से में आकर वो निकल ही गया, एक्सीडेंट हो गया उसका। पर शुक्र है कि तुम आ गए हो, उसे खून की जरूरत है, रेयर ब्लड ग्रुप है उसका, तुम्हारी तरह बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब तो तुम मेरी बात पर यकीन करते हो कि ये तुम्हारा बेटा है? सिर्फ आदतें ही नहीं, खून भी तुमसे मिलता है, देख लिया। अपने खून को ना अपनाने का, अपने बेटे को ना पहचानने का नतीजा, और उसकी जो भी हालत है ना उसकी जिम्मेदार तुम हो। बचा लो उसे कीर्तन, प्लीज उसे बचा लो, मान लो कि ये तुम्हारा बेटा है। हमारा बेटा मौत की लड़ाई लड़ रहा है, इस वक्त कोई माँ झूठ बोलती है क्या? तुम्हारा बेटा है वो कीर्तन, अब तुम्हारा खून ही उसे बचा सकता है, प्लीज उसे बचा। ये टीम शादी मुबारक, प्रीति जी और मैं केटी। और मैं एटी। वैसे मैं आपको केटी पा बुला सकता हूँ, आई काइंड ऑफ लाइक इट। सो मेरे सपने वो सब जल गए, गुजरे जो पल तेरे साथ में, मेरे अपने वो सब जल गए, उड़ती ये राख अब मत करो ना ऐसा पापा, प्लीज। तुम्हारा खून है कीर्तन, तुम्हारा अंश, इसे तो सजा मत दो। अगर ये मेरा बच्चा होता तो 17 साल तक तुम चुप क्यों रही? आई क्यों नहीं मेरे सामने इसे लेकर? जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम तक पहुँचने की कोशिश की थी, तुमने फोन नहीं लिया। आपको पापा बुलाने के लिए कितना इंतजार किया है, तरस गया था कि कब मैं आपको अपनी दिल की बात बता सकूं।
कब मैं आपको बता सकूं कि मैं आपका बेटा हूं? साहब प्लीज ब्लड डोनेशन के लिए चलिए। जी और यहां पेशेंट के साथ सिर्फ एक ही मेंबर रुक सकता है। प्रीति क्या तुम रुक सकती हो अर्जुन के साथ? नंदिनी मैं किसी और को मैं अर्जुन की जिंदगी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, प्लीज तुम उसके साथ रुक सकती हो? थैंक यू। थैंक गॉड फाइनली मेरी बातों का असर कीर्तन पर होने लगा है। कीर्तन माने को तैयार हो गया है कि अर्जुन उसका बेटा है। अर्जुन बेटा तुम्हें चोट ज्यादा लगी है लेकिन इसका फायदा इस चोट से कहीं ज्यादा होगा मुझे। अरे काई सुई चुभ गई तुम लोगों को? ये सिलेंडर नहीं लग रहा है। इतना सा काम ना जानो घर का, हटो हटो, घोड़ी हो गई इतनी लंबी, छोटे छोटे काम ना जाने ये लोग किचन का, काहे खाएंगी घर में काहे खिलाएंगी? क्या हुआ मम्मी, आपसे भी नहीं हो रहा क्या? लग तो ऐसे ही रहा है, जब से सास बनी हो ना ये सारे काम तो छोड़ दिए ना मैंने, हर तरफ से घुमा के देख लिया, ऐसे करूं वैसे करूं ना अटक रहा, ये सब जुई की गलती है, सारे काम वो करे, जिम्मेदारी वो उठा ले। तभी मारी माँ कहती थी, मारे को सच्ची कहती थी कि इंसान अपने हाड़ पाँव ना चलाए ना तो शरीर काम करना ही छोड़ दे। तुम दोनों तो पढ़ी लिखी हो, सिर्फ ठूसना जानो। वो दरवाजा भी खोल दो। हाँ मैं खोलती हूँ। आप यहाँ? या हाय। कौन है पियू? हेलो आंटी। अरे अरे जितर है। हाय। आजा। मैं आस्था। हाय। इसको बड़ी सुरसुरी चढ़ी अपना नाम पहले बताने की, आ जाठे। क्यों मम्मी, आपने तो इतने प्यार से रखा है, पूरी दुनिया में भी तो राशन होना चाहिए ना। वैसे बिल्कुल सही टाइम पर आए, हमें आप जैसे हीरो की जरूरत थी। क्या मतलब? मतलब हमारी हीरोइन को बचाने के लिए। आंटी नहीं, हीरोइन। ओह ओके। जूते 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 उतार दीजिए। अच्छा ओके। सॉरी। हाँ आंटी ये एक सेकेंड, मैं देखता हूँ इसे, मैं देखूँ? हाँ जी। ओहो हो गया आंटी, इट्स डन। ये सारे काम भी जानो, इतने बड़े घर का छोरा है, मारे को तो लगा है कोई रसोई घर में घुसने भी ना देता होगा। हाँ एक्चुअली वहां पे नहीं जाता हूँ मैं, बट मैं हॉस्टल में रहा हूँ ना तो इस पापी पेट के लिए सब सीख लिया मैंने। बाय द वे मैं एक अच्छा शेफ भी हूँ। वाओ, फिर तो आपके चारों ओर लड़कियां मंडराती होंगी ना, क्योंकि हर लड़की के दिल का रास्ता भी तो अच्छे यम्मी खाने से ही होकर गुजरता है, और अगर शेफ आप जैसा हो तो क्या? हमारी चोरी है ना हमारे पे गई, ये बहुत बोले बहुत सतानी भी करे। वैसे आज से शुरू करें आंटी? हाँ शुरू करो। पियू ले जाओ, बैठो, मैं तुम लोग काम शुरू करो, मैं आऊं। जी। कौन सा काम शुरू करूं? तेरे को मैंने ना बताया, अरे तुम्हें भूल ही गई, ओ नील ना वो पढ़ाई कर रहा है MBA की पढ़ाई कर रहा है, तो प्रीति ने मारे से कहा कि इसका ट्यूशन चाहिए, तो मैंने बोल दिया मारी पीओ भी तो MBA है, मदद कर दे इसकी, पढ़ा दे इसे, है ना? जाओ जाओ तुम लोग बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आऊँ। जी ओके। धन्यवाद। जी 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 बिल्कुल।
बाय द वे थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए. मुझे एक अच्छे ट्यूटर की बहुत जरूरत थी, तभी मेरा सेमेस्टर क्लियर हो पाएगा. आइए. खून दे दिया. चढ़ाते होश तो आ जाएगा ना अर्जुन को. सर अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते. आप चिंता मत कीजिए कीर्ति जी, अर्जुन बिल्कुल ठीक हो जाएगा. हो जाएगा ना प्रीति, प्रॉमिस ना. प्रीति प्रॉमिस. और अर्जुन को होगा भी क्या, उसके केटी पापा जो उसके साथ है. और मुझे अपने लड्डू गोपाल पर पूरा भरोसा है. इतने सालों बाद आपकी जिंदगी में खुशियां वापस लौट कर आई है. देखिएगा वो उन्हें हमेशा बरकरार रखेंगे. केटी जी सेम है. ये ब्लड ग्रुप बहुत कम लोगों का होता है. मॉम ने भी कहा था कि जब नंदिनी छोड़कर गई थी तब वो प्रेग्नेंट थी. उसने लिखा था खत में. और मैंने अर्जुन के रिपोर्ट्स भी चेक किए. उसका डेट ऑफ बर्थ ईयर ऑफ बर्थ सब कुछ मैच कर रहा है प्रीति जी. इसका मतलब तो यही होता ना प्रीति जी कि अर्जुन, मैं अर्जुन का कितना रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा मेरे सामने, केटीपा करता रहा, लेकिन मैंने एक नहीं सुने इसके. अब पता नहीं क्या मुंह लेकर जाऊंगा इसके सामने जब इसको होश आएगा. क्या कहूंगा इसे मैं कि मैं ही उसका वो बदनसीब बापू जो 17 साल. केटी जी ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि अब तक आप अपने साथ हुए नाइंसाफी का बदला लेने में व्यस्त हैं. अर्जुन को तो देखकर ही पता चलता है कि उसे उसके पापा की जरूरत है, प्यार की जरूरत है. उसके अंदर जितना भी गुस्सा है, नफरत है, वो सिर्फ प्यार से ही कम होगी. आप देखिएगा जिस दिन आप खुले दिल से उसे अपनाएंगे ना, वो सब कुछ भुलाकर सिर्फ आपके प्यार को याद रखेगा. मैं अपनाऊंगा उसे, खुले दिल से अपनाऊंगा मैं उसे. ये सब कितना अजीब हो गया ना प्रीति जी. हाँ
हाँ, सब कुछ कितना अजीब है। जानता हूं, जब से हमारी शादी हुई है कितना ड्रामा चल रहा है मेरी लाइफ में। आप भी सोच रही होंगी कि मैं बस अपने गम के साए में जी रहा हूँ, अपने बारे में सोच रहा हूँ, कितना सेल्फिश हूँ। ऐसे बर्ताव किया आपके साथ कि शायद आप अब तक मुझसे नफरत करने लगी होंगी। नफरत तो नहीं, लेकिन जो हो रहा है वो भी समझ में नहीं आ रहा। I'm sorry. फुसलाने से फिर खिल गई, कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है। बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है, कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है। ये लम्हा अकेला छोड़ के कहाँ जा रही हूँ? मैं आपके लिए पानी लाने जा रही हूँ। क्या हो रहा है मुझे? एक अजीब सा खिंचाव क्यों बढ़ रहा है केटी जी की तरफ? उन्हें देखने का मन करता है, उनके आसपास रहने का मन करता है। चोट केटी जी को लगी और दर्द मुझे क्यों हो रहा है? ये पल आपका और आपके बेटे का है केटी जी, इसमें मुझे या किसी तीसरे को नहीं होना चाहिए। दीपा,
अर्जुन, अर्जुन तू उठ गया? तो ठीक है, कहीं कहीं पेन हो रहा है तुझे? डॉक्टर को बुलाओ मैं। अर्जुन बात नहीं करेगा? जानता हूं कैसे बात करेगा, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं ना फिर से एक बार। लेट्स ट्राई अगेन। हाय, आई एम केटी, एंड यू? लेफ्ट से ट्राई करते हैं। हाय, आई एम केटी, एंड यू? केटी। नाइस, केटी, एटी, सेम सेम, एब्रिवेटेड नेम जस्ट लाइक माइन। वैसे अर्जुन ठीक है, टीफो, सरनेम क्या है आपका? गैस कीजिए। टिब्रीवाल, अर्जुन टिब्रीवाल, कीर्तन टिब्रीवाल का बेटा। मिल गया ना तुझे तेरे पापा? सॉरी 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 सॉरी, तू जीत गया एटी, तूने ढूंढ लिया अपने केटी पा को। अब ना तू अपने केटी पा के साथ रहेगा उनके घर में। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।